हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी आई ट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैंसिल योर ट्रैफिक वायलेशन फाइन इन सऊदी अरेबिया। आप अपने ऊपर जो ट्रैफिक वायलेशन आया है आपके आईडी पे, आपके खामे पे, वो किस तरह से कैंसिल करते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे जी आई ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए उसे वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग लिखा हुआ है हाउ टू कैंसिल ट्रैफिक वायलेशन फाइन इन सऊदी अरेबिया। इफ़ यू गेट ए मैसेज फ्रॉम MOI फॉर ट्रैफिक वायलेशन फाइन, अगर आपको कोई मैसेज आया MOI की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से रिगार्डिंग ट्रैफिक वायलेशन के रिलेटेड, एंड यू बिलीव दैट यू आर रॉन्गली चार्ज विथ ट्रैफिक वायलेशन इन सऊदी अरेबिया, और आपको लगता है कि ये जो वायलेशन आया है ये गलत आया है, मतलब आपने ना सिग्नल तोड़ा है, ना ही ओवरटेक किया है, ना ही रॉन्ग पार्किंग में लगाया गाड़ी, अगर आप ये समझते हैं कि ये वायलेशन जो आया है मुझे ये रॉन्ग है, ये नहीं आना चाहिए था, तो इसको किस तरह से कैंसिल करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड यू बिलीव दैट यू आर रॉन्गली चार्ज विद ट्रैफिक वायलेशन सऊदी अरेबिया, यू कैन चैलेंज इट एंड क्रिएट अ डिस्प्यूट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ दिस ट्रैफिक फाइन इन सऊदी अरेबिया। आप वायलेशन को चैलेंज कर सकते हैं और कैंसिलेशन की एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एप्शन लॉग इन करके, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी इस वीडियो में बताऊंगा। देर आर 3 कंडीशंस फॉर रजिस्टर्ड ट्रैफिक वायलेशन डिस्प्यूट। नंबर 1 है डिस्प्यूट कैन बी रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रैफिक वायलेशन इन सऊदी अरेबिया, यू कैन नॉट चैलेंज इट मोर देन 1 मंथ हैज पास्ड। अगर आपको ट्रैफिक वायलेशन का मैसेज अगर फर्स्ट अप्रैल को आता है तो आपको 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ही आपको डिस्प्यूट डालना होगा, यानी रिक्वेस्ट डालना होगा कि ट्रैफिक ये वायलेशन जो आया है ये गलत है, ये आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 30 दिन के अंदर आपको करना होगा। दूसरा है सेकेंड वन, यू कैन चैलेंज ओनली इफ़ इट इज़ कैमरा बेस्ड फाइन। आप उसी वायलेशन को चैलेंज कर सकते हैं जो कैमरा वाला फ़ाइन है, जैसा कि एग्जांपल कैमरा वाला फ़ाइन कौन सा है यहाँ पे है, कैमरा ऑफ सिग्नल और कैमरा ऑफ ओवर स्पीडिंग और कैमरा ऑफ बेल्ट और कैमरा ऑफ मोबाइल फ़ोन डिटेक्शन वाइल ड्राइविंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कैमरे वाले फ़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट तो है सिग्नल है, दूसरा है ओवर स्पीडिंग, तीसरा है बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया, चौथा है अगर आप ड्राइव करते हुए फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो ये कैमरे वाले फ़ाइन्स हैं। बट इफ़ पुलिस ऑफिसर कैच यू एंड इम्पोज फाइन, यू कैन नॉट चैलेंज इट। अगर पुलिस ऑफिसर ने आपको कॉट किया, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका फहास एक्सपायर है, अगर पुलिस ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया आपकी गाड़ी अगर आपके ऊपर मुखालिफा डाल दिया, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो आपको लाजमी पे करना ही होगा। बट इफ़ पुलिस ऑफिसर कैच यू एंड इम्पोज फाइन, यू कैन नॉट चैलेंज इट। नंबर 3 है इफ़ यू ऑलरेडी पेड द फाइन अमाउंट आफ्टर पेइंग, यू कैन नॉट रजिस्टर डिस्प्यूट। अगर जो गलती से फ़ाइन आपको आया है, अगर आप वो अमाउंट पे भी कर दिए फिर उसके बाद आप सोचते हैं नहीं नहीं ये फ़ाइन गलत था, वो तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप तभी चैलेंज कर सकते हैं जब आपने पे अमाउंट नहीं किया है, और वो भी 30 डेज के अंदर। इसके बाद है स्टेप्स टू रजिस्टर द डिस्प्यूट, स्टेप्स हैं 1 बाय 1 कि किस तरह से डिस्प्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है ओपन द एप्शर वेबसाइट, ब्रैकेट में है www.appshare.com। आपको अपना एप्शर ओपन करना होगा, एप्शर की वेबसाइट, उसके बाद वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको इंडिविजुअल फ्रॉम द स्क्रीन। उसके बाद थर्ड है लॉग इन टू योर अकाउंट यूजिंग खामा नंबर एंड पासवर्ड। आप अपना यूज़र नेम में खामा नंबर और पासवर्ड टाइप करके लॉग इन कर लें अपना एप्शर। उसके बाद है सेलेक्ट माई सर्विसेज, 5th है देन सेलेक्ट ट्रैफिक, 6th है देन सेलेक्ट डिस्प्यूट ट्रैफिक वायलेशंस। पिक्चर्स भी यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट एप्शर में आपको यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करना है, उसके बाद लॉग इन पे क्लिक करना है, लॉग इन पे क्लिक करने के बाद माई सर्विसेज में सर्विसेज पे जाना है, उसके बाद ट्रैफिक में जाना है, उसके बाद है डिस्प्यूट ट्रैफिक वायलेशन सेलेक्ट दिस। उसके बाद 7th है ए न्यू विंडो विल ओपन, जैसे ही आप डिस्प्यूट ट्रैफिक वायलेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है आप देख सकते हैं यहाँ 7th में ए न्यू विंडो विल ओपन वेयर कंडीशंस ऑफ द डिस्प्यूट्स आर गिवन। एक न्यू विंडो ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डिस्प्यूट्स के कंडीशंस, वहाँ पे मेंशन रहेंगे। 8th है सेलेक्ट डिस्प्यूट वायलेशन फ्रॉम दिस विंडो। उसके बाद 9th है इन द नेक्स्ट विंडो यू विल सी योर इकामा नंबर एंड फाइन अमाउंट। आपको जो मुखालिफा आया है वहाँ पे अमाउंट भी शो होगा, कार प्लेट नंबर, वायलेशन डिस्क्रिप्शन रहेगा, सिटी वेयर द वायलेशन वाज रजिस्टर्ड, आपका वायलेशन कहाँ आया है वो सिटी का नाम भी वहाँ पे मेंशन रहेगा, वायलेशन डेट एंड टाइम के साथ। उसके बाद 10th है इन द सेम विंडो यू कैन फाइंड सेलेक्ट द डिस्प्यूट रीजन, सेम वही विंडो में रहेगा ऑप्शन डिस्प्यूट रीजन, सेम विंडो में आपको सेलेक्ट करना होगा डिस्प्यूट रीजन के बारे में। उसके बाद है आई डिस्प्यूट रीजन में लिखना होगा, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहता, आपको सेलेक्ट करना होगा बस वो क्या 3 रीज़न है यहाँ पे मेंशन है, देखिए आप देख सकते हैं 1, 2, 3 आई डोंट ओन और रेंट ए व्हीकल। नंबर 2 है आई नेवर विजिटेड दिस सिटी और साइट ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब जो वायलेशन आपका आया है उस टाइम उस डेट को आप
अगर कहना चाह रहे हैं कि मैं विजिट नहीं किया, वो मैं उस टाइम नहीं चला रहा था गाड़ी, वो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। नंबर थर्ड है आई नेवर बाईपास दिस ट्रैफिक लाइट, यानी मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा है उस टाइम पे। अगर आप ये इनमें से हैं ऑप्शन तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 11 है सेलेक्ट एनी वन ऑफ अबो थ्री, ये तीन में से एक को आप सेलेक्ट करना होगा, विच डिस्क्राइब योर केस एंड क्लिक ऑन सेंड डिस्प्यूट, योर डिस्प्यूट इज सबमिटेड। यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। डिस्प्यूट वायलेशन पे क्लिक करना होगा ऐसा, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट द डिस्प्यूट रीज़न, यहाँ पे तीन रीज़न है, तीनों में से एक को आप सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करना होगा, तो आपका अगर जो वायलेशन है, अगर आपका जो ये डिस्प्यूट है अगर वो वैलिड है, तो आपका मुखालफा जो ट्रैफिक वायलेशन है वो माफ़ हो जाएगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो वैलिड नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं, आप जस्ट मतलब सोच रहे हैं शायद हो सकता नहीं, मतलब आप श्योर नहीं हैं, तो वो कैंसिल नहीं होगा, आपको ज़रूर पे करना होगा। तो इस तरह से आप अपना ट्रैफिक वायलेशन माफ़ करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं ऑनलाइन एपशेयर के जरिए से। आज के इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग ट्रैफिक वायलेशन के बारे में, किस तरह कैंसिल करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।